ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे में सनातन सबूत मिलने के बाद क्या कट्टरपंथी गैंग देश में नफरती माहौल बनाने की तैयारी में जुट गए? ये सवाल उत्तर प्रदेश के नफरती मौलाना तौकीर रजा के ताजा बयान के बाद उठ रहे हैं, जिसमें कहा गया कि मुस्लिमों का सब्र टूटा तो देश में जंग होने की आशंका है। तौकीर रजा ने अभी क्यों यह बयान दिया, किसके इशारे पर यह बयान दिया, इसके पीछे उनका सियासी दांवपेच क्या है और क्यों मुस्लिम तबके को वो उकसाना चाहते हैं? आज की दोपहर की नंबर वन डिबेट इसी मुद्दे पर इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तस्वीर देश के राममय होने की गवाही है। अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर में रामलला विराजे तो उसकी खुशी गोरखपुर के इस मुस्लिम युवा के मुंह से रामायण की चौपाइयों में फूट रही है। हर मुश्किल टल जाए संता राम सिया राम सिया राम जय जय। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी गुनगुनाहटें उस कट्टरपंथी गैंग की बेचैनियों को बढ़ा रही हैं, जो नफरती सियासत की बुनियाद किसी भी कीमत पर मजबूत करना चाहते हैं। सुनिए मौलाना तौकीर रजा का बयान, जिसमें देश को दंगे में झोंकने की धमकी है। सब्र कर रहे हैं, सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। इनकी जुबान पर मुस्लिमों का सब्र टूटने की बात क्या इसलिए है, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है और इस बार मोदी सरकार 400 पार के नारे लगा रही है। मुस्लिम तबके का बड़ा हिस्सा मोदी सरकार के कामकाज से खुश है। कट्टरपंथी मौलानाओं की पकड़ मुस्लिम युवाओं पर ढीली पड़ रही है और तुष्टीकरण की सियासत का अंत होता दिख रहा है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि तौकीर रजा मुस्लिमों को दंगे के लिए उकसाने के लिए मुस्लिम लड़कियों के जबरन धर्मांतरण से लेकर ना जाने क्या क्या ऊल जलूल दलीलें दे रहे हैं। मस्जिदें तोड़ दी जाए, मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाए, बेइज्जतियां कर दी जाए, हमारी बेटियों को गुमराह कर दिया जाए, मुर्तद बना दिया जाए। हम मुसलसल सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, बुजदिल नहीं है। बुजदिल होने की वजह से हम नहीं बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं। सवाल यह है कि मुस्लिमों के सब्र टूटने की धमकी, देश में दंगा फसाद की धमकी तौकीर रजा जैसे नफरती मौलाना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एएसआई के साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट ने ज्ञानवापी के उस सच पर मुहर लगा दी जिसे कट्टरपंथी गैंग नकारता रहा है। तौकीर रजा दरअसल जो बोल रहे हैं वो साफ तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी से एक कदम और आगे बढ़कर दंगा फसाद करने का उकसावा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के मुस्लिम तबके को भड़काने का ये खेल है। तौकीर जैसे मौलाना इससे पहले भी चुनावी मौकों पर ऐसी नफरती बयानबाजियां करते रहे हैं, लेकिन उनकी दाल तब नहीं गली। 2024 के चुनावी दंगल को लेकर उनके अंदर का डर इसलिए भी बड़ा हो रहा है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि तुष्टिकरण के सियासत के दिन अब लदने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो तौकीर रजा ने इशारों में देश में दंगे की धमकी दे डाली। मुस्लिमों के सब्र के टूटने की बात तक जो उन्होंने कही उससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि वो कैसे एक वर्ग को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर आज के बहस के सवाल हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से सवाल जिसके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा रहेगी। सवाल नंबर एक और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी शय पर तौकीर रजा ने जंग की धमकी दे दी, क्योंकि तौकीर रजा ये बात लगातार दोहराते हुए आए, इसके पीछे कौन है, सवाल ये बड़ा है। सवाल नंबर दो, चुनाव से पहले खून खराबा क्या कट्टरपंथी गैंग चाहता है, क्योंकि बयानों की एक लड़ी से निकल पड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी हूं चाहे ये तौकीर रजाई क्यों ना हो, इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं। सवाल नंबर तीन, 24 के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत से क्या ये डर गहरा चुका है कट्टरपंथी गैंग का। सवाल नंबर चार, मुस्लिम युवाओं में मोदी की लोकप्रियता ने क्या इस गैंग की नींद उड़ा कर रख दी है और यही वजह है कि इन युवाओं को क्या भड़काने की कोशिश की जा रही है। और बड़ा सवाल यह भी कि अयोध्या के बाद ज्ञानवापी पर देश को बांटने की साजिश रची जा रही है क्या, क्योंकि बार बार ज्ञानवापी पर कुछ नेता मुस्लिम
सियासत करने वाले कुछ नेता कहते हैं कि अब हम मस्जिद नहीं खोने देंगे, हम इसके लिए चाहे जो करना होगा वो करेंगे। तो क्या अयोध्या के बाद ज्ञान वापी पर जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है ये बौखलाहट उसको लेकर है। हमारे साथ बातचीत के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ गए हैं जो कि AIMIM के नेता हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और एहसान अब्बासी जुड़ गए हमारे साथ, स्पोक पर्सन है पशमानदा मुस्लिम समाज के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत करूं मैं, उससे पहले मैं एक बात बहुत साफ कर देता हूं कि आप प्लीज एक दूसरे को ओवरलैप मत कीजिएगा ताकि किसी को चर्चा छोड़कर जाने की जरूरत ना पड़े। मैं शुरुआत करता हूं आपसे मुमताज आलम रिजवी जी, ये जो सब्र के पैमाने की बात बार बार की जाती है और खास तौर पर तौकीर रजा तो सब्र की बात इतनी कर चुके हैं कि पूछिए मत, ये सब्र है क्या, ये किस टर्मिनोलॉजी में आप डिफाइन कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, ये तो उन्हीं को बुला लीजिए और पूछ लीजिए कि सब्र क्या है। लेकिन कुरान के हवाले से औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा मास्साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र उसको कहते हैं कि इंसान के अंदर ताकत हो, कुव्वत हो, वो सब कुछ कर सके लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करे और सब्र करे कि नहीं, माहौल हमें नहीं खराब करना है, हमें अमन अमान कायम रखना है और सब्र सुकून के साथ जिंदगी गुजारनी है। तो ये सब्र है। लेकिन एक वक्त आता है कि जब इंसान ज्यादा परेशान हो जाता है, जब तो वो कहते हैं उसको कि सब्र कबान, मतलब अब क्या करें, तो फिर मैदान में उतरना पड़ता है। तो शायद ये उसी की तरफ तौकीर रजा साहब इशारा कर रहे हैं। लेकिन मुमताज भाई, तो आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, ये सब्र की बात तो डिफाइन किया है। नहीं, मैं तो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सब्र के पैमाइश की बात कर रहे हैं, ये जो मौलाना साहब है तौकीर रजा, ये तो बहुत लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, 2019 से करते आ रहे हैं। ये तो देखिए ऐसा है, मैं एक बात साफ कर दूं, हाँ अनुराग भाई, कि न तो इनको सीएम बनना है न तो इनको पीएम बनना है। हाँ। और हो सकता है कि किसी के देने उने से ये कहीं कुछ थोड़ा बहुत बन जाए तो बन जाए। हाँ। ये सब इनका देखिए कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ। और मुझे लग रहा है, लेकिन ये ठेकेदारी तो कर रहे हैं ना मुमताज भाई? नहीं तो ठेकेदारी किसकी कर रहे हैं, पता लगाइए ना, किसकी ठेकेदारी कर रहे हैं? ये कौम की ठेकेदारी कर नहीं रहे। नहीं, ये तो आप ही के कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट मुमताज भाई, तौकीर रजा अपने नाम के आगे मौलाना लगाते हैं। मौलाना किस धर्म के धर्म गुरु होते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं आपको भाई? धर्म गुरु होना तो ठेकेदारी थोड़ी है, धर्म गुरु होना ठेकेदारी नहीं। तो वो तो जैसे कल अभी असदुद्दीन अवैसी कह रहे थे तो वो पूरे 17 करोड़ मुस्लिमों की बात कर रहे थे, तो वो तो सबको अपने साथ लेकर बात करते हैं ना। एक मिनट अनुराग भाई, हमारे चक्रपाणी महाराज जी हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं। हाँ। इतना सुंदरता से रहते हैं, तो क्या आप इनको हिंदू धर्मों का ठेकेदार कह देंगे क्या? ये ठेकेदार नहीं है। हाँ। बल्कि जो हिंदू धर्म है उसको ये बताते हैं कि है क्या, ये किसी को मानना हो। अच्छा मुमताज भाई, आपकी आवाज बार बार जा रही है, एक बार थोड़ा सा उसको करेक्ट कीजिए। मेरा एक और सवाल का जवाब दे दीजिए मुमताज भाई, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। मुझे ये बताइए कि ये आपको लगता है कि ये जो बयान दिया जा रहा है ये भड़काऊ है, क्योंकि तौकीर रजा बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब मस्जिद नहीं जाने देंगे, अब हमारे सब्र की पैमाइश हुई तो अब हम नहीं छोड़ेंगे, तो करने क्या वाले हैं? और क्या जो शांत बैठे हुए मुस्लिम है ये उनको भड़काने जैसा नहीं है? नहीं, ये क्या करने वाले हैं, इससे ज्यादा आप बीजेपी से पूछिए कि वो क्या करना चाहती है, वो देश में क्या करवाना चाहती है, वो चुनाव 2024 का चुनाव जीतने के लिए क्या करवाना चाहती है, उनसे पूछिए। क्योंकि अच्छा मुमताज भाई, मुझे एक चीज का और जवाब दे दीजिए। आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, आपने एक बात और कही मुमताज भाई कि जब जब अति हो जाती है तो इस तरह का सब्र का बांध टूटता है। आज देश में ऐसा क्या हो रहा है जो सब्र का बांध टूट जाएगा? आज देश में ऐसा क्या हो रहा है मुमताज भाई जो सब्र का बांध टूट जाएगा, आप ये खुलकर बताइए। देखिए ऐसा है कि सब्र का बांध कहीं नहीं टूटने वाला है, ये सब बकवास है। और जहां तक बीजेपी चाहती है तो बीजेपी तो चाहती है कि ऐसा ही माहौल बने, ऐसा ही जो है कुछ झगड़ा लड़ाई जंग और दंगा फसाद कुछ हो जाए, क्योंकि सतपाल मलिक ने कहा था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है। वो सतपाल मलिक जी की बात, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का नहीं, तो अगर वो आप नजरअंदाज नहीं करेंगे मुमताज भाई, तो आप ये भी नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं जब तौकीर रजा ये कहते हैं कि मुस्लिम युवा अगर जागा तो हर गली में खून बहेगा, आप इसको दरकिनार कैसे कर पाएंगे? मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ दूसरे भी मेहमान हैं। कैसे बहेगा, कौन खून बह रहा है? अरे सर, जिन तौकीर रजा की बात को आप डिफेंड कर रहे हैं,
ये वो बात कह रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है मुमताज भाई, मुमताज भाई ठीक है, मुमताज मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर से आऊंगा, फिर बातें होंगी आपसे। हमारे साथ एहसान अब्बासी जी भी हैं। एहसान जी, ये देश में क्या माहौल है आज, जो सब्र के टूटने की बात कही जा रही है बार बार। अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई साल पहले से ये सब्र का बांध टूट रहा था। ये 2024 आते आते फिर ये सब्र का बांध एक बार फिर से उफान मारने लगा है, जब सब्र का बांध टूटने की बात कही जाने लगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं बड़ी शालीनता से सुना मैंने, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे सुने आराम से। ये 14 के बाद में तौकीर साहब को कौन सा सब्र का बांध टूट गया है? क्या मोदी जी ने देश में 14 के बाद में क्या हज यात्रा पर बैन कर दिया है? क्या अजान पर बैन कर दिया है? क्या नमाज करने से मना कर दिया गया है? क्या इनको अपने शादी विवाह करने से मना कर दिया गया है? कौन सा सब्र की बात कर रहे हैं और कौन सा सब्र तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आती। दूसरा, ये कहते हैं कि हम सब्र करने वाले हैं, अल्लाह साथ है, तो सब्र करो, फिर अल्लाह का इंतजार करो, जैसा फैसला करेगा अल्लाह ताला उस पर हो। ना तो अल्लाह को मानते हैं, ना अल्लाह को कलाम को मानते हैं, ना इस्लाम को मानते हैं, और ना देश के भाईचारे को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। इनके अलग अपने एक अलग राग है। क्या मोदी को हटाना है, मोदी विरोध करना है, और समाज के जो युवा है, जो जवान है, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको बरगलाना है। क्या मुसलमान खतरे में है, उसका रहना खतरे में है? अब मोदी सरकार हमें तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, चाहे ओबीसी हो और चाहे तौकीर रजा साहब हो, इनके बयान 14 के बाद आ रहे हैं। लेकिन एहसान जी, आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद ये सब कुछ हो रहा है। मुमताज भाई जो हमारे साथ इस पैनल में बैठे हुए हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए दोषी है। आप चूंकि खुद एक मुस्लिम है, आपको बीजेपी के शासनकाल में कभी ऐसा लगा कि एक मुस्लिम इनको पसमांदा भारत के अंदर डरा हुआ है, या भारत के अंदर वो इस्लामियत खत्म हो रही है? मुसलमान तो कभी ऐसा नहीं है, पसमांदा देखिए ना। ठीक है मुमताज भाई, प्लीज शालीनता से सुन तो लीजिए, एहसान भाई जवाब देने। एहसान जी, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है एहसान जी, प्लीज मुझे सुनने दो ना, मेरी बारी है, मुझे बोलने दो, फिर आप बोलना आराम से। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। 70 वर्ष इन जो हमारे कथा कहते मौलाना थे, जो राजनीति करते थे, 70 वर्ष बड़ा गुमराह किया हमें, डर दिखाया भाजपा का कि भाजपा आएगी तो आपको देश छोड़ना पड़ जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। आज मोदी जी शासनकाल में जो योजना हमें मिल रही है, चाहे शौचालय हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे पक्के मकान हो, चाहे गैस योजना हो, चाहे जनरल खाते हो, हम परेशान मजदूर थे। आज मोदी जी ने हमें वो योजना दी है, वो लाभ दिया है घर बैठे बैठे। देश का मुसलमान जो ब्लू लेट पे था 15% अब ऊपर आ गया है। 70 वर्षों में 15 IPS बनते थे, आज 10 वर्षों में केवल 250-300। ये क्या मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, ये भारत सरकार की बढ़ती लोकप्रियता वजह है कि आज कट्टरपंथी गैंग इस तौर पर एक्टिव है कि भैया देखिए हम में भी दम है, और अगर हम उतरे तो हम ऐसा से ऐसा कर लेंगे? ये क्या जानबूझ के वो उस लोकप्रियता के लिए डर बैठाया जा रहा है क्या? नहीं, डर उस चीज का है कि इनकी जो शटर डाउन हो गया है, जो दुकानदारी बंद हो रही है इनकी, जो बरगर आने की भय आने की। ठीक है, मोदी जी ने ऐसा काम किया है देश के लिए, दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र बना दिया है जी, तो अब सब नमन करते हैं। ठीक है एहसान अब्बासी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और महाराज चक्रपाणी जी भी हैं। मैं दानिश जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि एहसान कुरैशी चूंकि वो खुद भी एक मुस्लिम है, वो किस तरह से भारत सरकार को लेकर सोचते हैं वो आपने सुन लिया, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी जब मंच पर होते हैं और पॉलिटिकली कोई बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो ये तो डर बैठाने जैसा। और मुझे नहीं लगता कि तौकीर रजा और असदुद्दीन अवैसी की बातों में कोई खास अंतर है। तौकीर रजा भी भड़काऊ बयान ही दे रहे हैं और कुछ इस तरह की बातें असदुद्दीन अवैसी भी करते हैं। दानिश कुरैशी, मेरी आवाज आ रही है? जी दानिश भाई आ रही है, कंटिन्यू। जी क्वेश्चन रिपीट करिए। तो दानिश कुरैशी, जो आज तौकीर रजा कह रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी के शब्द इससे ज्यादा अलग नहीं है? वो भी मस्जिद का डर दिखाते हैं, वो भी कहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर चल पड़ा है। देखिए, शायद कल भी हम बात कर रहे थे और आज मैं फिर एक बात दोहरा दूं। सबसे पहले तो आपको ये परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ है इसकी तय में जाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा और फिर रिपीट कर रहा हूं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देश में संविधान लागू हुआ उस वक्त हमने अपने आप को, मतलब देश के तमाम नागरिकों ने संविधान को अडॉप्ट किया और हमने ये लागू किया। और सुनिए दूसरे नंबर की बात कि जब आजादी से पहले देश में जंगल राज था, जब संविधान लागू नहीं था, जब जंगल राज था, जब खून का बदला खून था कि आपने मेरे भाई को मारा है तो मैं आपके भाई को मारूंगा, ये कुछ सब कुछ खत्म हुआ और हमने हमारे जो कुछ भी राइट्स थे, राइट टू रिवेंज जो थे, वो संविधान के साथ सरेंडर कर दिए। इसके सामने आम नागरिक को जो सुरक्षा मिली वो सरकार की तरफ
से सुरक्षा मिली कि सरकार सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अब ये तो हो गया संवैधानिक जिम्मेदारी की बात। अब मैं आपको बताऊं पिछले एक साल में योगी जी के कितनी बार स्टेटमेंट आ गए, जब मामला कोर्ट के अधीन है उसके बावजूद भी ये वो ये कहते हैं कि भाई अगर ज्ञान भारती के मामले में कुछ करें, अगर करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, या सॉरी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे या तो वो तो दंगाइयों के लिए कहते हैं ना सर। और योगी आदित्यनाथ ये थोड़ी कहते हैं कि हम कोर्ट से बाहर सेटल कर लेंगे, वो तो कहते हैं कि लड़ाई कोर्ट में ही लड़ेंगे। नहीं, सुनिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा कि 6-2 अगस्त 2023 को उन्होंने कहा कि भाई ये जो पूरा मामला है इसको समझ लेने की जरूरत है वरना हिंदू भड़क जाएंगे। तो ये तमाम चीजें आप मुझे बताइए कि कहां, आप मुझे ये बताइए कि कहां स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बजाय स्टेट उसमें आ रहा है पार्टी बन के आ रहा है। तो जब ये पार्टी बन के आएंगे तो उलमाए दीन की तो जिम्मेदारी है कि वो इस पे बात करेंगे। दानिश भाई इन चीजों में कहीं पर भी संविधान वितर्क के तौर पर बात कहीं नहीं की गई। आप चूंकि आप खुद एक बैरिस्टर की पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, आप तो समझते होंगे ना कि संविधान क्या है, और संविधान में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वहां पर किसी दूसरे के राइट्स पर किसी तरह की कोई चीज आघात के तौर पर ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं यही कह रहा हूं कि प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जिनके राज्य में दोनों, सुनिए, जिनकी जिनके राज्य में मुसलमान भी है, जिनके राज्य में हिंदू भी है, और एक धार्मिक मामला अदालत के अधीन लंबित है, उसके बावजूद भी इस तरीके के उनके स्टेटमेंट अगर कहीं ना आप जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, दानिश भाई आप जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं वो आप ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के पास पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो न्याय संगत और तर्क संगत कानूनी लड़ाई की बात ही करते हैं। नहीं, कुछ भी कैसे कर देंगे अनुराग जी, क्या बात कर रहे हैं आप, आप संविधान सम्मत काम करेंगे? नहीं, आप तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री के पास देखिए इतनी पावर है, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, बीजेपी ने वैसा कर दिया, तो फिर कानूनी लड़ाई तो खत्म ही कर देती बीजेपी। ये स्टेटमेंट योगी जी है, मेरे नहीं है, आप कहें आपको दिखा दूं ये सारे मामले। नहीं, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, ठीक है दानिश भाई ये जो डर बताने की कोशिश है और ये जो सब्र का पैमाना छलकाने की कोशिश है, मैं इस पर जरा बात करता हूं, आम लोग बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद महाराज जी के पास जाता हूं। हमारे सहयोगी बाबा विश्वनाथ की नगरी से हिमांशु दीक्षित जुड़ गए। हिमांशु जरा वहां पर अगर बात कर पाए आप, क्योंकि तौकीर रजा कह रहे हैं कि ये अगर सब्र टूटा तो देश में दंगे जैसे हालात हो जाएंगे, वहां की आम जनता क्या सोचिए, एक बार जरा बात कीजिए। देखिए अनुराग, प्रसिद्ध जगह पर हूँ पप्पू की अड़ी, और यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोग भी यहाँ पर आते हैं और खुलकर अपनी बात रखते भी हैं, प्रबुद्ध जन भी यहाँ पर होते हैं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि सब्र टूटा तो जंग का माहौल होगा, और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऐसा है क्या लगता है? देखिए पहली बात तो यह है कि यही कह के ये लोग चर्चा में बने रहना चाहते हैं। इन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान चले जाएंगे, अभी तक कोई गया नहीं। सब्र टूटने की बात कर रहे हैं, मेरा ही कहना है कि अब मुसलमानों ने भी इनको खारिज कर दिया है। मेरा ये मानना है कि तौकीर रजा हो, चाहे ओवैसी हो या उनके भाई हो, सब्र न तोड़ें, क्योंकि सब्र अगर तोड़ेंगे तो बाबा उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर उन्हें जरूर याद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, क्या वाराणसी में जो रहने वाले लोग हैं उन पर ऐसे बयानों का असर पड़ता है आपको लगेगा? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामान्य है हर चीज, और मुसलमान भी यहाँ के साथ हैं, कोई ऐसा नहीं। उसमें कुछ ऊपर के लोग हैं जो राजनीति करने के लिए ये सब चीज किया करते हैं, सामान्य जनता में इसका कोई मतलब नहीं। क्या लगता है कि युवाओं पर इसका असर पड़ेगा जो कहते हैं कि सब्र का बांध टूट जाएगा तो जंग का माहौल बन जाएगा? देखिए हम लोग स्टूडेंट्स हैं बीएचयू में, तो बीएचयू में ऐसा कोई माहौल नहीं है जिससे लगता है कि मतलब चीजें प्रभावित होंगी, लेकिन हाँ फिर भी युवा थोड़ा प्रभावित है, वो थोड़ा मतलब देख रहे हैं कि चीजें थोड़ा सा मतलब बीच में बैठ जाएं, मतलब ऐसा ना हो कि जंग का माहौल बने और चीजें थोड़ा मतलब नहीं। आपके भी दोस्त होंगे, मुस्लिम दोस्त होंगे, क्या उनके दिमाग पर इस तरह की जो बातें की जाती है उसका असर पड़ता है या फोकस उनका अपना स्टडी पर है? देखिए बीएचयू में ऐसा कोई माहौल नहीं है, हम लोग रूम में 7 लोग रहते हैं हम लोग, और उसमें 2 मुस्लिम भी हैं, और हम लोग सब मजे से रह रहे हैं साथ में, खाना बनाते हैं, बढ़िया खा रहे हैं, ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं है जो किसी ना किसी तरह से बीच में फूट डालने वाला हो। ये बताइए ये दौर कब रुकेगा ऐसी बयानबाजी का? देखिए ये लोग मुसलमानों द्वारा ही खारिज कर दिए जाएंगे, यह दौर अब लगभग रुक रहा है, यह दौर अब थम रहा है, ये लोग खाली ये मानसू बहुत सुंदर बात की, अगर इस तरह का कट्टरपंथ कोई रखता है तो ये मुस्लिमों द्वारा ही खारिज कर दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हिमांशु, मैं इसको लेकर फिर आपसे बात करूं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, मैं महाराज जी आपसे समझता हूं, क्योंकि ये बयानों का जो सिलसिला है ये तब से ज्यादा शुरू हो गया जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था,
फिर राम मंदिर जब बनना शुरू हुआ, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब तक ये कह रहे थे कि हम अगला मस्जिद नहीं जाने देंगे। और फिर ज्ञानवापी की एसआई सर्वे रिपोर्ट क्या ये कट्टरपंथी गैंग को और मजबूत कर देती है कि वो अपने बयानों को धार दे आज समाज में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चित रूप से आप ये देख रहे होंगे कि काफी समय तक जो है अभी दंगे की कोई स्थिति नहीं हुई, ना कोई फसाद हुआ और राम मंदिर का भव्य बन गया। इसमें कई जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो मौलाना तौकीर राजा टाइप के हैं, वो चाहते हैं कि मुस्लिम खोले, मुस्लिम कुछ करे, इसीलिए इस तरह की बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारे युवा कंट्रोल अगर से बाहर चले जाएंगे तो क्या कानपुर में जो ईंटे पत्थर चले जिस समय प्रधानमंत्री जी गए थे, दंगे हुए, तो क्या इन्होंने इनके इशारे पे हुए क्या? क्या कन्हैया कुमार की हत्या हुई क्या इन्होंने करवाया? क्या कमलेश तिवारी की हत्या हुई क्या इन्होंने कराया था? और तमाम जहां जहां लव जिहाद हो रहा है क्या ये करा रहे, जानबूझ करके करा रहे? ये जांच का विषय है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरह के कट्टरपंथी लोग जो है इनके पेट में दर्द है कि आखिर दंगे हो क्यों नहीं रहे, इसलिए बार बार सब्र की बात कर रहे हैं, बार बार उसकी बातें कर रहे हैं। अब हमारे एहसान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, सवाल इस बात का है मोदी जी ने क्या बिगाड़ा भाई, हाँ? क्या किसका बिगाड़ा है? लेकिन कहीं ना कहीं दानी साहब उसको खोलाना चाहते हैं, मौलाना रजा खोलाना चाहते हैं, हमारे मुमताज साहब बैठे हैं। लेकिन महाराज जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब बात ज्ञानवापी की करते हैं, आप जब बात मथुरा की करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपनी मस्जिद को नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं कि आप अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, तो क्या ये मस्जिद के आधार पर ये लोगों के मन में डर बैठाना चाहते हैं क्या? भाई देखिए, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं महाराज जी, वो लड़ाई तो कानूनी है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती है ही नहीं। बड़ी बात ये है कि हमारे मुमताज साहब बैठे, दानी साहब बैठे, तुरंत तौकीर राजा की आलोचना करना चाहिए था, फतवा इनके खिलाफ जारी करना चाहिए, तो वो तो करते नहीं। और हम लीगल तरीके से कानूनी लड़ाई लड़के जब ज्ञानवादी जो 93 से पूजा हो रहे थे 93 तक जो है उसको हमने अधिकार लिया, तो उस पे हाय तोबा मचा रहे हो, चाहते कि दंगे हो, वो चाहते, अरे भाई साक्ष्य प्रमाण आप भी पेश करो, हम भी पेश करें, जो जिसके पास में न्यायालय आदेश देगा वो अपना पूरा करेगा। महाराज जी, आपने ये बात कही, मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाता हूं। महाराज जी, मैं एक बार फिर से आऊंगा आपके पास। एहसान जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं एक रिएक्शन मुमताज भाई का लेना चाह रहा हूं। मुमताज जी, क्योंकि आप बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं कि संविधान को डिमोलिश कहीं पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस पक्ष की ओर से ये सारी लड़ाइयां लड़ी जाती है वो तो कानूनी है और कोर्ट के दर पर सिर्फ सबूत चलते हैं, फैक्ट्स चलते हैं, वहां हवा हवाई बातें नहीं चलती हैं। तो ये संविधान की बात कहते हुए, संविधान का समर्थन करते हुए डर बैठाने की कोशिश क्यों फिर? नहीं, बिल्कुल डर नहीं बिठाला जा रहा है और हम लोग भी कोर्ट में जा रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोर्ट की बात कर रहा है तमाम। लेकिन जिस तरीके से सरकार कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से अब आप देखिए कि बाबरी मस्जिद का उत्तर प्रदेश भाई, आप कानून के अच्छे जानकार हैं, कोर्ट को कैसे हाईजैक होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? इश्तिहार में देने लगे कि हमने देखिए ये बनाया, संकल्प जब होता है। अरे मुमताज भाई, आपके फेवर में फैसले नहीं जा रहे तो कोर्ट हाईजैक हो जाएगा, गजब कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से फैसला आया, जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं तो पूजा तो जारी ही रहेगी, ये तमाम चीजें इससे ये लगता है। और फिर बाबरी मस्जिद के जिस तरीके से फैसला आया, सब लोग जानते हैं कि आस्था की बुनियाद पे आया। यही सर, किसने बोला आपको आस्था की बुनियाद पर आया? नहीं सर, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट था जिसके आधार पर वहां पर फैसला आया था, इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया और आस्था की बुनियाद पे ही आया। देखिए, नहीं सर, वो टाइटल सूट का मामला था मुमताज भाई, वो टाइटल सूट का मामला था जिसको कोर्ट ने फैक्ट्स के हिसाब से सुना, उसके ऑब्जर्वेशन को आपको पढ़ने की जरूरत है मुमताज भाई, आई एम सॉरी टू से। हम सब पढ़े हुए हैं और पढ़ते हैं तो लिखते ही रहे, पूरे मुकदमे को हमने रोज रिपोर्टिंग की है। तो मुमताज भाई, ये तो पता होगा ना आपको, जब सुनवाई डे टू डे सुनवाई शुरू हुई थी तभी क्लियर कर दिया गया था कि टाइटल सूट का मामला है। कोर्ट ने कहा कि जब ये राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, नहीं नहीं ये नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कोर्ट ने, मैं बार बार इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, आप हर जगह एक प्रोपोगेंडा के तौर पर इस बात को ले आते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि इसके साक्ष्य नहीं मिले कि वहां पर मंदिर टूटकर मस्जिद बनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर मंदिर नहीं थी। और उसमें ये भी है कि जो सिखों के धर्मगुरु थे वो वहां पर राम मंदिर में पूजा के लिए गए थे, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, ये आपको पढ़ना चाहिए। मैं जल्दी से आता हूं दानिश भाई आपके पास। दानिश भाई, अभी जो लोग बात कर रहे थे मेरे सहयोगी हिमांशु के साथ, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम खुद नकार देंगे,
तो ऐसी सियासत करके क्या फायदा असदुद्दीन ओवैसी का? वो जिसका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद नकारते चले जाएंगे विकास देख देख के। देखिए वो तो कौन कहां जाएगा, खैर उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, और जिन्होंने बात रखी है वो हमारे उलमा है। और दूसरे नंबर की बात कि स्वामी जी जो बातें कर रहे हैं ना हमारे, मतलब तौकीर रजा आपके उलमा है हमारे, अरे बिल्कुल तमाम उलमा भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जितने भी थे वो तमाम उलमा हमारे लिए सम्मान। अच्छा दानिश भाई, आप थोड़ा सा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मैं टोकते हुए एक सवाल पूछ लूं आपसे बहुत प्यार से, उसके बाद मैं एहसान जी के पास जाऊंगा। देखिए 19 दिसंबर 2023 मस्जिद के खिलाफ कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, यानी कि आप बैरिस्टर की पार्टी के बैठे हुए आप जब संविधान की बात करते हैं या संविधान की धज्जियां उड़ाते बोलते हैं मैं कोर्ट को नहीं मानता। 9 मई 2023 अतीक अशरफ और आजम खान पर जुल्मों का बदला लेना है, उनके जुल्म सहते हुए मुस्लिम खुद योगी जी बाबा के पास जाते हैं, बोलते साहब कुछ तो कार्रवाई कीजिए, ये आपके उलेमा। मैं पूरे पुचक पूरा कच्चा चिट्ठा बता दूंगा, सीए पर कह रहे थे 8 जनवरी 2022 को, ये आपके उलेमा साहब सीए पर कहा था कि हिंदुस्तान में गली गली में खून बहेगा, आप समर्थन करते हैं ये गली गली में खून बहने का आपके उलेमा का? दानिश कुरैशी देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं तो फकीर रजा साहब का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आपको उलेमा बता रहे ना अपना, सुनिए सुनिए आप बिल्कुल उलेमा है हमारे, प्रवक्ता नहीं उनका, वो हमारे उलेमा है तो हम उनके पीछे खड़े रहते हैं। सुनिए मतलब आप उनके बयान का समर्थन करते हैं कुल मिलाकर बात? सुनिए देखिए जुल्म सुनिए, जुल्म की बात, जुल्म की दास्तान और जुल्म की कहानी की अगर बात है ना, तो जितना खून इस देश के मुसलमानों ने या हिंदुओं ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ बहाया वो ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को मारने के लिए काटने के लिए उन्होंने किया, हमने खुद अपनी लाठियां खाई गोलियां खाई, क्या आपने नहीं देखा तारी? तो सवाल यह है कि ये जो जुल्म और ज्यादती करने वाले जो लोग सत्ता में पैबस्त हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया योगी जी के स्टेटमेंट आपको दिखा दिए, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अरे तो आप उस स्टेटमेंट को आधार बना रहे हैं, मैं आपके उलेमा का स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप उस पर कुछ कह ही नहीं रहे दानिश भाई। मुख्यमंत्री नहीं है ना, मैं आ रहा हूँ मुमताज भाई एक एक करके, दानिश भाई गुस्सा होकर चले जाएंगे नहीं, इन्होंने कहा है कि वीर सावरकर को जो है वो भारत रत्न दिया जाना चाहिए, चलिए ठीक है वो बात उस पर कर लेंगे। दानिश भाई प्लीज अपनी बात को कंक्लूड कर लीजिए 10 सेकंड, फिर मैं जा रहा हूँ एहसान भाई के पास। अब सवाल ये है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो मेरे लिए उलमा है, शायद आपके लिए ना हो, चक्रमानी महाराज के लिए नहीं है, तो जो हम मुसलमान है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री हम तो फक्र से कहते हैं कि हम उस देश में जहाँ पर अशफाक उल्ला खान है, हम तो फक्र से कहते हैं अबुल कलाम आजाद हमारे देश के, हम तो फक्र से कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के, उस देश में तो हम तो कहते हैं, लेकिन हम इसको कैसे मान ले जो लोग कह रहे हैं कि साहब हम हमारा सब्र टूटा तो हम ऐसा कर देंगे। एहसान अब्बासी साहब ये सब्र क्या एक ही तरफ से टूट सकता है क्या? हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया आपने। अनुराग भाई ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है ये एनजीओ है और इसमें जितने उलमा हैं वो उलमा कम राजनेता ज्यादा हैं, और जो उनके हमेशा जो बयान आते हैं वो मुसलमान को भड़काने के लिए और इस देश की सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसे बदनाम करने के लिए। मैं गाँव से आता हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरा पड़ोसी हिंदू है, मेरे खेत जहाँ पे हैं वो मेरे पड़ोसी के खेत हिंदू के हैं, मैं शहर में रहता हूँ, मेरा मित्र पड़ोसी हिंदू है, हमें उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल है वो गांव से और लेकर शहर तक दिखती है, परंतु ये जो बयान देते हैं इनके कौन से दोस्त जो हिंदू है इसे नफरत करते हैं, उसे आ रहा हूं दानिश भाई आऊंगा। तो अगर साहब जहाँ रहते हैं तो क्या वो हिंदू नहीं रहते, वो एक हिंदू का नाम बताते हैं जिस हिंदू ने इनको परेशान किया हो, ये 10 वर्ष से। एहसान भाई मुझे अगर 10 सेकंड में आप ये जवाब दें हमारे दर्शकों को, ये बताएं कि क्या मजबूरी है फिर, ऐसे तो उलेमा ही है, ऐसे तो मौलाना है जिसको शांति और धर्म का संदेश देना है, लेकिन ये क्या मजबूरी है जिसके तहत इस तरह से भड़काने पर उतारू हो जाते हैं? मजबूरी इनकी ये है कि मोदी जी सरकार चल रही है, इनको मोदी जी से विरोध है, इनको ना योजना से विरोध है ना किससे विरोध है, ठीक है इनको केवल केवल मैं आखिर में उत्तर महाराज जी आपके पास आऊंगा 10 सेकंड में। दानिश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं 10 सिर्फ मोदी के विरोध में ये सब कुछ हो रहा है दानिश भाई, सिर्फ मोदी का विरोध? देखिए मुस्लिम स्कॉलर साहब जो हैं वो शायद उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश से मैं भी बहुत वाकिफ हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं गुजरात में रहता हूँ, यहाँ मेरे बगल में हिंदू को रहने की सत्ता नहीं दी गई है गुजरात सरकार ने, और ये सरकार के अधीन है, या मुसलमान रहता होगा उसके बगल में हिंदू को रहने की इजाजत नहीं है, ये कानून है हमारे यहाँ डिस्टर्ब एरिया एक्ट का, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं वो दानिश भाई लेकिन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो ये दबी जुबान में सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुस्लिमों की बस्ती में कोई एक हिंदू मिल सकता है क्या, ये घर बिकाऊ के नारे या घर बिकाऊ के पोस्टर क्यों लगते हैं फिर गाजियाबाद में या वेस्टर्न यूपी में? ये तो सत्ता ही बिकाऊ है, आप मैं ये कह रहा हूं स्वामी चक्रपाणि जी महाराज,
स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, ये मतलब सिर्फ मजबूरी इस बात की है कि 2024 में अपना जो वोट बैंक है, जो धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाए, इन सियासतदानों का बस ये ना चिटक जाए, बस इसीलिए इस तरह की बयानबाजी। चक्रपाणी जी महाराज, बिल्कुल निश्चित रूप से, और हमें आश्चर्य, बिल्कुल आप अनुराग जी ठीक बोल रहे हैं, और हमें आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि दानिश जी बार बार उस चीज को कुरेद रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पूर्वजों ने तो ये किया। अरे भाई पाकिस्तान किसने लिया ये बताइए, पाकिस्तान किसने ले लिया? आपके जिन्ना ही तो लिया कि भाई हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, और उसके बाद जो टुकड़े बचे उसमें भी आप शांति से नहीं रहने देते। मौलाना साहब जैसे लोग बोलते हैं और आप फतवा जारी नहीं करते, तो ये बातें ना करिए, ये बातें ना करिए दानिश जी, कि सभी काम आपने किया तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया। मैं पूरी चर्चा को एक चीज पे कंक्लूड करता हूँ कि देखिए साहब, आज देश में क्या चल रहा है, और हर व्यक्ति इंडिविजुअल वोटर ये समझने के लिए काफी है, तो वो समझ कर वोट देगा। इसीलिए कोई भड़काने या फिर बहकाने की कोशिश ना करें। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत देता है, रुकने एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार भी टाइम्स नाम नव भारत पर खबरें लगातार जारी है।